नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहिनी और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नाखूनों को लेकर कि हम इन्हें कैसे साफ रख सकते हैं और कैसे हम इनकी देखभाल करें कि ये सुंदर और मजबूत रहें और बार बार ना टूटें। तो हर महिला सुंदर दिखने के लिए अपने बालों से लेकर अपने पैरों तक का ख्याल रखती है और इनमें से ही एक होते हैं नाखून। तो नाखूनों का ख्याल रखना इसलिए भी जरूरी है कि ये हमारी पर्सनैलिटी में तो निखार लाते ही हैं, साथ साथ हमारे हाथ पैरों की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। तो सर्दियों में स्किन के साथ नेल्स भी ड्राइनेस का शिकार होते हैं और ऐसे में न सिर्फ स्किन को बल्कि हमारे नेल्स को भी खास देखभाल की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके नेल्स तो सुंदर रहेंगे ही, साथ में ये मजबूत भी रहेंगे और बार बार टूटेंगे नहीं। हमें अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए और अपने नेल्स को समय समय पर काटते रहना चाहिए और मैनीक्योर पेडीक्योर करवाते रहें, या फिर आप घर पे कर सकते हैं तो इसे घर पे करें और नेल पेंट सही तरीके से लगाना चाहिए। नेल पेंट लगाने से पहले हमें बेस कोट लगाना चाहिए। हम घर पर अक्सर ये स्किप कर देते हैं। बेस कोट हमारे नेल्स को सेफ रखता है और साथ ही साथ नेल पेंट को भी ज़्यादा लंबे समय तक टिकाता है। और इसके साथ ही अपने खान पान का ख्याल रखें, अपने खाने में आयरन और प्रोटीन युक्त डाइट लें। तो यदि आप अपने नाखूनों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो रोज़ रात को सोने से पहले इन पर जैतून के तेल की मालिश करें और अगर जैतून का तेल ना हो तो आप पेट्रोलियम जेली से भी मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा नेल्स को साफ करने के लिए नींबू के रस की कुछ बूंदें थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर उनसे अपने नेल साफ करें। इनसे नेल्स का पीलापन हटेगा और उनमें चमक आएगी। और नाखूनों को न चबाया करें और अगर ऐसा करते हैं तो ये आदत छोड़ दें। और सर्दियों में हम अपने हाथों पर सुबह शाम तो मॉइस्चराइजर लगाते ही हैं और हो सके तो इसे दिन में भी लगाएं, क्योंकि हम दिन भर ठंडे पानी के संपर्क में हमारे हाथ आते हैं तो बार बार हाथों पर ड्राइनेस आती है, उसके साथ साथ नेल्स भी ड्राई होते हैं। तो एक या दो बार मॉइस्चराइजर लगाने से काम नहीं चलता, इसे दिन में भी लगाएं। और जब आप मॉइस्चराइजर लगाएं तो साथ में अपने नेल्स के ऊपर भी लगाएं और नेल्स के आसपास जो स्किन है वहाँ पे थोड़ी मोटी लेयर लगी रहने दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके नाखून लंबे और मजबूत रहेंगे, ये बार बार टूटेंगे नहीं और साथ में ही सुंदर और साफ दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, इस पर दी हुई मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।